हे हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और आज मैं लेकर आया हूँ आपके पास फॉली रिच हेयर रीग्रोथ सीरम, जो कि आपके हेयर फॉल को स्टॉप करेगा और रीग्रोथ में हेल्प करेगा, आपके बालों की ग्रोथ को फास्ट कर देगा और अगर आपके बाल पतले हो रहे हैं तो उनको भी मोटा कर देगा। ये बहुत ही अच्छा सीरम है और इसकी प्राइस अगर देखी जाए तो 1249 है। थोड़ा कॉस्टली है बट ये 60 ml का है, 60 ml है। अगर आप 1 ml भी डेली लगाते हो तो 60 दिन यानी 2 महीने चलेगा। तो ये 1250 रुपये का सीरम है जो कि 2 महीने चलने वाला है। इसकी खासियत की अगर मैं बात करूँ तो बेसिकली इसके अंदर एसिटाइल टेट्रापेप्टाइड है जो कि आपके इसमें लिखा है कि स्टिमुलेट एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स प्रोटीन सिंथेसिस एंड कोलेजन। तो जो हेयर फॉलिकल के अराउंड एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसकी उसमें सिंथेसिस को बढ़ा देता है और साथ में जो हेयर फॉलिकल के एंकरिंग होती है, स्ट्रेंथ है, तो उसको भी स्ट्रॉन्ग कर देता है ताकि वो अच्छे से इंटैक्ट रहे, झड़े ना। ज़रा भी कई लोग जिनको हेयर फॉल की दिक्कत होती है तो अगर आप उनको देखोगे जरा भी कंघी करते हैं नहाते समय या कंघी कर रहे हैं तो उनके बहुत सारे फॉल हेयर फॉल होने लगते हैं, एकदम फॉलिंग बढ़ जाती है। तो ये उसमें भी हेल्प आउट करता है बिकॉज ये उसकी एंकरिंग को बढ़ा देता है, साथ में जो फॉलिकल का साइज होता है वो भी मोटा कर देता है। अगर आपके बाल पतले हो रहे थे आपके बालों को मोटा कर देगा। और साथ ही साथ ये इसमें लिखा है कि रिड्यूस माइक्रो इन्फ्लेमेशन, तो जो माइक्रो इन्फ्लेमेशन होता है उसको भी कम कर देता है। तो जिसके कारण कई बार क्या होता है जब माइक्रो इन्फ्लेमेशन होता है हेयर फॉलिकल के अराउंड इन्फ्लेमेशन होता है तो हेयर फॉलिंग की दिक्कत बढ़ जाती है। तो ये आपका माइक्रो इन्फ्लेमेशन को भी कम कर देगा तो आपकी हेयर फॉलिंग कम हो जाएगा और साथ में आपका एलर्जन नोटिलेशन फेस को भी बढ़ा देता है। तो मैं आपको बता देता हूँ एलर्जन नोटिलेशन फेस होता क्या है। बेसिकली इज अ लाइफ साइकिल ऑफ हेयर फॉलिकल। एलर्जन फेस में बाल ग्रो करता रहता है, सूखता रहता है जो 6-7 साल चलता है और कैटेजन फेस में बाल इंटैक्ट रहता है, ग्रो नहीं कर रहा होता, और टीलेजन फेस में बाल हेयर फॉलिकल झड़ जाता है। तो ये एनाजन फेस को बढ़ा देता है। कई बार क्या होता है कई बार हमको बीमारियां होती हैं, हम डाइट अच्छा नहीं ले रहे होते या एंड्रोजेनिक एलोपेशिया हो रहा होता है, कुछ भी हो रहा होता है तो हमारे हेयर जो एनाजन फेस होता है हेयर फॉलिकल का वो कम हो जाता है। अगर आपको 6 to 7 या 8 years का एनाजन फेस होना चाहिए तो वो आपका 2 से 3 साल में ख़त्म हो जाता है। तो ये उस फेस को बढ़ा रहा है। दूसरी बात, इसमें बायोजेनिन है और ऑर्गेनिक एसिड है। तो जो बेसिकली क्या कर रहा है, जब आप टॉपिकली इसको डालते हो तो ये 5-अल्फा-रिडक्टेज जो हार्मोन होता है DHT उसको भी ब्लॉक कर रहा है टॉपिकली डालने के लिए। जनरली लोग जनरली जो मेडिसिन लेते हैं DHT को ब्लॉक करने के लिए वो होता है ड्यूटास्ट्राइड होता है जो 0.5 mg लेते हैं, खाते हैं ओरली लेते हैं, या फिनेस्ट्राइड होता है जो 1 mg लिया जाता है, जो भी ओरली जो आपका DHT डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन को ब्लॉक कर देता है जो कॉजिंग फैक्टर होता है हेयर लॉस के लिए। तो ये उसको भी इनहिबिट कर रहा है जो कि पैटर्न बैलेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। साथ ही साथ ये स्टिमुलेट कर रहा है माइक्रो सर्कुलेशन अराउंड द हेयर फॉलिकल। तो हेयर फॉलिकल अराउंड जब माइक्रो सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाता है उसका बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, उसके बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि जब सर्कुलेशन बढ़ जाएगा ब्लड का तो आपके हेयर फॉलिकल को अच्छे से ऑक्सीजन मिलेगी, न्यूट्रिशन मिलेंगे और वाइटामिन मिलेंगे तो वो फास्टली ग्रो करेगा। अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो ग्रो कैसे करेगा, तो उसको खाना अच्छे से मिलेगा थ्रू ब्लड सर्कुलेशन। तो ये माइक्रो सर्कुलेशन उस एरिया में बढ़ा देता है और साथ ही साथ जो एट्रोफी होती है, एट्रोफी क्या होती है, हेयर फॉलिकल जैसे जैसे DHT वर्क करता है वो हेयर फॉलिकल का इतना मोटा है तो उसको पतला करता जाएगा तो वो वेलस या रुएं में कन्वर्ट होता जाता है, वो छोटे छोटे पतला होता रहता है। तो ये उसको भी खत्म कर रहा है बिकॉज खून का फ्लो अच्छे से बढ़ रहा है, उसको खाना पीना अच्छा से मिल रहा है। तो जब उनको खाना पीना अच्छा से मिलेगा तो ग्रोथ फास्ट हो जाएगी और वो मोटे हो जाएंगे। ओके, इसमें वीट अमाइनो एसिड भी है, जो सोया अमाइनो एसिड, आर्जिनिन, SCL ये सब भी है। और जो इसमें जो कह रहे हैं कंपनी कि उसकी जो ग्रोथ है शाफ की और जो थिकनेस है उसको ये बढ़ाने में हेल्प करता है, साथ में इलास्टिसिटी को भी बढ़ा देता है। चीज़ें तो बहुत अच्छी अच्छी हैं इसके अंदर, इसको प्रोडक्ट को देख लें अगर। ओके, ये बहुत ही सुंदर सी ग्लास की बोतल है। ओके, इट्स अ ग्लास बॉटल, 60 ml का है ये। आपको 1 ml डेली लगाना है, आपको जस्ट ऐसा लेना है ड्रॉपर, 1 ml हाथ में लेना है और इसके बाद आपको उसको फिंगर पोर से लेके आपको हेयर में लगाना है, स्कैल्प में लगाना है। इसमें बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है और आपको मसाज करना है, आपको लगा के उसको मसाज करना है, स्पेशली जिस एरिया में आपको हेयर फॉलिंग ज़्यादा है या बाल्डनेस ज़्यादा है आप उस एरिया में अच्छे से इसको लगा के स्प्रेड कर सकते हैं। रात भर लगा के इसको छोड़ दीजिए और उसके बाद लगाने के बाद 5 से 10 मिनट को इस तरीके से इसको अच्छे से मसाज करते रहिए। मसाज करने से बेनिफिट ये मिलेगा बिकॉज ये आपका माइक्रो सर्कुलेशन तो बढ़ा ही रहा है, जब आप मसाज करेंगे इस तरीके से 5 से 10 मिनट तो आपके स्कैल्प में स्टिमुलेशन होगा, अगेन वो आपके सर्कुलेशन में हेल्प आउट करेगा।
डेली आपको लगाना है। तो अगर आपको स्ट्रेस इंड्यूस हेयर फॉल हो रहा है, या किसी बीमारी के कारण आपको हेयर फॉल हो रहा है, या पानी के चेंज के कारण हेयर फॉल हो रहा है, या आपको एंड्रोजेनिक एलोपेशिया है, उसमें आप ये सब ले सकते हैं, लगा सकते हैं। दीज ऑल आर सपोर्टिंग थेरेपी। मैं आपको क्लियरली बता दूं, आप ये मत सोचिएगा कि इसको लगाते ही आपके बाल ग्रो होना चालू हो जाएंगे, उगना चालू हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ये सपोर्टिंग थेरेपी वर्क करेगा जो कॉजिंग फैक्टर्स को ब्लॉक करेगा। ये स्लो एक्टिंग प्रोसेस होता है, आपको कम से कम 5 से 6 महीने इसको लगाना है रेगुलर, तब जाके आपके पतले बालों को ये मोटा कर देगा और ग्रोथ को फास्ट कर देगा। ऐसा नहीं कि एकदम ही आपका बाल स्कैल्प आपका चिकना है और आप सोचोगे उसको लगाने के बाद आप वहाँ पे बहुत सारे बाल आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। ये सब चीज़ें सपोर्टिंग थेरेपी में वर्क करती है। साथ ही साथ अच्छी डाइट लीजिए और अच्छे अच्छा खाना खाइए, प्रोटीन ज़्यादा लीजिए, तो वो भी आपके, क्योंकि स्किन में जो सेल होते हैं वो हेयर सेल होते हैं वो प्रोटीन से ही बनते हैं, तो आपको प्रोटीन डाइट में अपने इंक्रीज़ करना पड़ेगा इनटेक, वो लीजिए ज़्यादा। और नहीं ले पा रहे तो अच्छे विटामिन, मल्टी विटामिन जो हेयर फॉलिकल के लिए को ग्रोथ के लिए आते हैं लाइक बायोटीन, ये लीजिए। इन सबको फॉलो करिए रेगुलर और पता ही कैसा आपको ये प्रोडक्ट लगा, रिजल्ट्स कैसे हैं, ये मुझे बिल्कुल ज़रूर नीचे मैसेज करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो ज़रूर उसको सब्सक्राइब, ओके। और मैं बताऊँ आपको ये आपको मिलेगा कहाँ पे, ये आपको मिलेगा clickoncare.com में, नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ पे क्लिक करिए और वहाँ से खरीद लीजिए। ये क्लिक ऑन केयर कंपनी बहुत ही ट्रस्टेड कंपनी है जो आपको COD कैश ऑन डिलीवरी भी प्रोवाइड करेगी अक्रॉस इंडिया। तो अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है, या आपके NEFT नहीं है, या आपके पास डेबिट कार्ड नहीं है, या आप ऑनलाइन पेमेंट नहीं करना चाहते, या आपको डाउट है कि आपने खरीदा और आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो यू कैन ट्रस्ट ऑन मी एंड ऑन क्लिक ऑन केयर। आपको वहां पे COD भी अवेलेबल मिलेगा और जाके खरीद लीजिए। और अगर आपके बाल फॉलिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए बेस्ट है फॉली रिच हेयर सीरम सॉल्यूशन, इसको लगाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। और मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, सो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, कोई भी डाउट हो तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, नहीं रिप्लाई कर पाऊँ तो मुझे अगेन अगेन मैसेज करते रहो ताकि मैं आपका मैसेज देख पाऊँ और मैं उसको रिप्लाई कर सकूँ। तो स्टे ट्यून विद मी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता, बाय एंड हैप्पी फॉली रिच विद गुड।